सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं आपकी सुखराज आज एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ, जैसे हम लोग सबसे पहले तो स्टार्ट करवाते हैं लाइट फैब्रिक बेस पे, हम लोग जो पेंटिंग करते हैं कोई भी कलर है जो उस पर खिड़के आ जाता है, और हमें कॉल आती है कि मैम अगर डार्क स्टफ हो तो पेंटिंग कैसे करनी। तो चलिए आज आपको हम सिखाते हैं, एक डार्क कंसेप्ट लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क कलर का स्टफ लिया है और उस पर पेंटिंग आपने कैसे करनी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज आपको सिखाएंगे कि डार्क कपड़े के ऊपर हम लोग अपने डार्क सूट के ऊपर पेंटिंग कैसे करते हैं। आज तक तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में सिखाया कि कैसे हमने पेंटिंग करनी है, और ज़्यादातर हमारी पेंटिंग्स जो होती थी लाइट्स, जो लाइट स्टफ होता है उस पर होती थी। तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि जो डार्क स्टफ करना है तो उस पर पेंटिंग कैसे करनी है। तो चलिए आज एक नए कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं हम लोग पेंटिंग। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई एक वाला डार्क कलर का सूट पीस। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोगों ने, अगर आपके पास डार्क कलर का सूट आ जाता है तो आपने इसको कैसे पेंटिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए आज आपको एक नए कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक राउंड फ्रेम, इसको एम्ब्रॉयडरी फ्रेम बोलते हैं। तो पेंटिंग के लिए जैसे मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग बड़ा वाला फ्रेम लें, छोटे वाले फ्रेम से पेंटिंग में नीटनेस नहीं आती, सफाई नहीं आती है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा बड़े वाला फ्रेम है, तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप यही है, कोई भी कपड़ा लो आप पहले उसको फ्रेमिंग करेंगे, है ना, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में मैं आपको इसे इसके इस स्टेप के एक कॉर्नर पे मैं आपके लिए फ्रेमिंग, इसको बड़े आराम से हम लोगों ने टाइट करता है कि हमने इस पर डिजाइनिंग क्या करनी है। और टेबल के ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा शर्ट लग जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐसे टेबल पे बैठ के कर रहे हैं तो हम इसको फ्रेम लगाएंगे, तो फ्रेम आपने इसको बिल्कुल टाइटली लगाना है। ये मैंने इस स्टफ का एक कॉर्नर का फ्रेम लगाया ऐसे है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना जो है डिज़ाइन वो ड्रा करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो हमारा स्टफ है ये डार्क कलर का है, तो इसके लिए हम लोग कोई भी लाइट कलर का मार्कर लेंगे, जो आपको गोल्डन सिल्वर पेन कर जाता है वो लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे इस पर कोई ना कोई डिज़ाइन बनाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें। सिल्वर पेन लेके छोटे फ्लावर बनाएंगे, कौन से कलर चलेंगे। ये मेरे पास मॉव कलर है ना सूट का, इसको मॉव कलर बोलते हैं, बड़ा प्यारा कलर है। तो हम लोग इस पर चलाएंगे अब लाइट कलर, तो लाइट कलर में हम लोग लेंगे येलो कलर, और मेरे पास है ये वाइट कलर। मैं आपके घर में जो भी रफ पैलेट पड़ी है उसको ले लीजिए और उस पर कलर डालिए, बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, कलर प्लेट लेके आने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। कोशिश करिए कम से कम आपका जो है खर्च लगे और बढ़िया चीज़ बन जाए, तो वेस्ट मटेरियल आप ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीडियम भी लूँगी, इसको थोड़ा सा पतला और फास्ट कलर के लिए, फैब्रिक मेल का मीडियम है ये भी। मोस्टली तो इन कलर्स में हम लोग पानी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, तो अगर डार्क कलर का मैं सूट पेंट कर रही हूँ तो उसमें मैं पानी की बजाय इसमें मैं वो यूज़ करूँगी, मीडियम यूज़ करूँगी।
बोला सेम आपने हमेशा कपड़े के स्टफ के अकॉर्डिंग कलर स्कीम लेनी है, जो कलर आप कपड़े का ले रहे हैं। फ्लावर्स बनाए, जो
डार्क सूट के ऊपर। तो यही आप बंच रिपीट कर सकते हो, अपने इस कलर का दुपट्टा डाई करवाएं, उस पर इसको प्लेस करें, और साथ में शर्ट में जितना भी हैवी डिजाइन आप चाहते हो तो बार बार इसको प्लेस कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपके जैसे आपकी चॉइस हो। तो आपको जो भी कंसेप्ट अच्छा लगेगा मैं मिस करती हूँ, और आप आगे भी सुंदर सी ऐसी डिजाइनर वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।